संचार संस्था पिपरिया द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा 2022 से धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी की माता माता गुजरी जी, पिता श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहीदी दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हुए देश की सरहदों की रक्षा करते हुए जो हमारे वीर जवान शहीद हो गए उनकी वीर अर्धांगिनियों को पूर्व सैनिक और रिटायर्ड शिक्षकों को सम्मानित करके गौरवान्वित महसूस किया। इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि पिपरिया नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती नीना नवनीत सिंह नागपाल, कुमारी ऋचा कटकवार बीएमओ और ब्रह्म कुमारी आश्रम की पूज्य संचालिका दीदी शैलजा जी के कर कमलों द्वारा हमारे शहीद सैनिकों की वीर अर्धांगिनिया धनबाई बैंकर, डब्ल्यूओ स्वर्गीय ऑर्ड यशवंत बैंकर, कमरू निशा खान डब्ल्यू स्वर्गीय बी ENGR श्री वहीद खान, श्रीमती चंद्रमणि पूर्विया डब्ल्यू ओ स्वर्गीय श्री दिनेश पूर्विया जी को, उन सभी शिक्षकों को जिन्होंने हमें हमेशा मार्गदर्शित किया, ऐसे रिटायर्ड शिक्षकों श्री VC S चौहान, श्री बरजिंद्र पाल सिंह वैश्य, श्री MK शर्मा, वीर नारायण सिंह चौहान आदि सभी सैनिकों को संचार संस्था पिपरिया के सेवक ईश्वर सिंह राठौर, संजय भोंसले, कैलाश खंडेलवाल, ज्ञानी मंजिंदर सिंह ने इन सभी शहीद सैनिकों की वीर अर्धांगिनियों, शिक्षकों और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। इस मौके पर श्रीमती नीना नवनीत नागपाल जी, माननीय ब्रह्म कुमारी दीदी जी, पूर्व सैनिक श्री निरंजन वैष्णव आदि ने अपने संबोधन में जहां वीर जवानों शिक्षकों को सम्मानित किया। खबर भारतवर्ष के लिए पिपरिया नर्मदापुरम से मंजिंदर सनहोत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।